कहा जाना है कि इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। और इस बार हम शूट कर रहे हैं तेजाजी नगर से भौर कुआ चौराहे तक का जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल आपके सामने है आईटी पार्क, तो यहाँ से खंडवा रोड जो है हम पूरा का पूरा नापने वाले हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये जो रोड है निर्माण जो है अभी आप अगर देखेंगे तो इसने जो है थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है और इसमें निगम का कहना पड़ रहा है कि भाई साहब मार्च 2023 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। हालांकि ये काम दिसंबर में पूरा होना था लेकिन अतिक्रमण हटाना और ये सब कारणों के चलते ये काम थोड़ा सा डिले हो चुका है। तो खंडवा रोड पर भवर कुआ से तेजाजी नगर जो चौराहा तक ये जो आप रोड देख रहे हैं ये 6 लेन सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण निगम कर रहा है, जहां तेजाजी नगर बाईपास से लेकर आईटी पार्क चौराहे तक सर्विस रोड का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। वहीं आईटी पार्क से भोर गोवा चौराहे तक खुदाई का काम भी शुरू हो गया था। निगम ने दावा किया है कि मार्च 23 तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही खंडवा रोड पर यातायात बाधित होने की समस्या से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। इधर निगम योजना शाखा के अफसरों की माने तो रोड का निर्माण अगेन कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2023 तक। रोड चौड़ीकरण होने से न केवल खंडवा रोड का यातायात बल्कि क्षेत्रवासियों को आवागमन में भी राहत मिलेगी। अभी एक तरफ रोड बन रहा है और दूसरी तरफ आप जैसे देख पा रहे हैं सेंटर में कंप्लीट अपना रोड बन रहा है अभी भी, और राइट लेफ्ट में भी यातायात जो है वो चल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अब अगर 6 लेन बन जाएगा तो ये समस्या जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। हालांकि ये काम किस लेवल तक पहुंचा है उसको चेक करने के लिए भी प्रतिभा पाल जी जो निगम आयुक्त है वो भी पहुंचे थे, तो उनको भी अफसरों ने बोला है कि मैडम गट्टी बढ़ा दी है, देखो 23 तक मार्च 23 तक काम करने का भी चल रहा है। और वैसे कंस्ट्रक्शन देख के लग भी रहा है मार्च 23 तक हो जाएगा, पर निगम को खंडवा रोड पर सड़क विस्तारीकरण और चौड़ीकरण करने के लिए अराउंड 53 करोड़ 73 लाख रुपीस की जो है सरकार ने राज्य सरकार ने राशि उनको दी थी। इस राशि से ये ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर लंबा और 31 मीटर्स यानी 104 फुट 104 फुट चौड़ी सड़क बनाने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं और बनाऊँ और नहीं लगा हो तो क्यों नहीं लगा वो भी मुझे बताएं, तो मैं चेक आउट करूँ कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी और उस पर काम करूँ। फिलहाल के लिए मैं अलविदा चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।